पवन यादव। क्या मामला है आज? मामला ये है, हमें तो नहीं पता है फिलहाल, लेकिन अज्ञात लोग आए थे कम से कम 10-12 गाड़ियों से, और उसके बाद हमारे पापा जो है उतरे, सबके हाथ में पिस्टल था, धमकाने लगे कहीं सजरा माफी हो, मारने लगे, 8-10 फायर किए पिस्टल से, और पापा को मारे तो पापा दौड़ के घर के अंदर घुस गए, दीवार पड़ गई, हो सकता है हमारे पापा की हत्या भी हो सकती थी। और उसके बाद अनिल सिंह का नाम ले रहे थे, और अनिल सिंह का एक भाई छोटा बिपिन सिंह भी था। और उसके बाद में हमको असलाह बल पे अपनी गाड़ी पे अपहरण कर लिए। अपहरण करने के बाद में कह रहे थे 1 करोड़ रुपया अपने पापा से दिला दो, और नहीं तुमको तो हम मार ही डालेंगे। लेकिन हमने कहा हमारे घर की गाड़ी पीछा कर रही है, हर जगह वायरलेस हो गया है, अपने को बचाने के लिए हमें कल्ली और पीजीआई के बीच में छोड़ के चले गए, जहां से हमें मोहनलालगंज कोतवाल साहब रिसीव करके लाए और विद्या हॉस्पिटल में हमारा प्राथमिक उपचार कराए। आपको मारा पीटा भी गया? बहुत मारा पीटा हमको, असलाह हमारे अंदर लगा रहे थे गाड़ी साले मार डालेंगे हमारा, और उसके बाद में हमारा गर्दन दबा दिया गया, पीठ में हमारी चोट आई गंभीर, हमारे पैरों में दर्द है। आज ये है कि सुबह अपने घर दरवाजे खड़े हुए थे और 3 लग्जरी गाड़ी आई, खटाखट हाथों में असलाह लिए हुए उतरे, हमसे पूछे आप सहजराम हैं कौन हैं? हमने कहा मैं सहजराम हूँ, बट वो तेने मानी फैट धोक दिया एक कोई आदमी बीच में, खट हम दरवाजे के अंदर घुस गए। तब तक हमारे यहाँ औरतें जो है ताला दरवाजा खुंडी लगा दिए, तब तक लड़का हमारा बाहर था, इसको पकड़ लिए, इसको पीटने लगे, और उसके बाद बोला 1.5 करोड़ रुपया लाइए, इसको पीटने लगे, 1.5 करोड़ रुपया मांग कर रहे थे इसको, तब हमने अंदर से बोला लाओ असलाह, तब उसके बाद इसको गाड़ी में डाल करके ले आए, और 3-4 फायर किए, पुलिस खोखा लेके आई, बरामद किया पुलिस। क्या आप उन्हें जानते थे? हम उनमें किसी को नहीं जानते थे, वो एक आदमी का नाम बता रहे थे, अनिल सिंह ने हमको भेजा, मैं अनिल सिंह के भाई हूँ। अनिल सिंह का कोई परिचय दिया हूँ? अनिल सिंह को कोई परिचय दिया, अनिल सिंह का उन्होंने, अनिल सिंह का परिचय दिया और बोला मैंने हमको अनिल सिंह ने भेजा, मैं अनिल सिंह के भाई हूँ, 1.5 करोड़ रुपया आपसे चाहिए हमको, बट हम अंदर घुस गए, फायर जब हमारे ऊपर ढोंक दिया तो मैं अंदर घुस गए।